हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 के इतिहास विषय का प्रथम लेशन, भारत का वैभवशाली इतिहास, और उसमें हमने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता और किस प्रकार से वो कहां से कहां तक फैली हुई है और किस प्रकार से उसकी लंबाई और चौड़ाई हमने पढ़ा था और किस प्रकार से वो किन किन जगहों पे फैली हुई है। जैसा कि पढ़ा था हमने अफ़गानिस्तान में बलूचिस्तान, पाकिस्तान स्थित सिंध, भारत स्थित पाकिस्तान स्थित पंजाब, भारत में स्थित पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के अलावा और भी बहुत सारे क्षेत्रों में फैली हुई, यानी कि इसका लंबाई और चौड़ाई 1600 किलोमीटर यानी कि विस्तार था इसका पश्चिम से पूर्व तक 1600 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण था 1400 किलोमीटर। तो अब सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी, तो पढ़ते हैं आज सिंधु नदी के बारे में कि क्या है सिंधु नदी, क्या कहाँ से उसका उद्गम स्थल है, कहाँ से वो निकलती है, तो कहाँ तक पहुँचती है, तो इसको पढ़ते हैं हम। सिंधु नदी का उद्गम यानी कि ये तिब्बत के कैलाश मानसरोवर के उत्तर में स्थित, यानी कि ये कहाँ से निकलती है, कहाँ से इसका प्रथम बिंदु कहाँ है इसका, यानी जहाँ से ये निकलती है अर्थात प्रकट होती है। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के कैलाश मानसरोवर के उत्तर में स्थित सेंगे खबब सिंगमुख व हिमनद से माना जाता है, तो ये इसका उद्गम स्थल माना जाता है। सरस्वती नदी का उद्गम शिवालिक की पहाड़ियों से माना जाता है और ठीक उसी प्रकार यहाँ से आदिबद्री के पास मैदान में प्रवेश करती है तथा यह दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई कुरुक्षेत्र यानी कि हरियाणा के में स्थित है। गग्गर हाकड़ा होती हुई हरियाणा के शीर्ष स्थान से राजस्थान के नोहर में प्रवेश करती थी। यहाँ से बीकानेर व जैसलमेर होती हुई गुजरात के कच्छ के रण में प्रवेश कर प्रभासपत्तन के पास समुद्र में गिरती थी। यानी कि देखो तिब्बत से चलती हुई, तिब्बत की पहाड़ियों से चलती हुई कैलाश मानसरोवर के उत्तर में स्थित सेंगे खबब सिंगमुख और हिमनद से निकलती हुई ये गुजरात के कच्छ के रण में प्रवेश करते हुए प्रभासपत्तन के पास समुद्र में जा गिरती है। वर्तमान में सरस्वती नदी भौतिक रूप से अस्तित्व में नहीं है, यानी कि इसका अस्तित्व खत्म हो गया है अर्थात लुप्त हो गई है। ये भू संरचना में परिवर्तन के कारण यह विलुप्त हो गई, जो भूमि की संरचना है उसमें परिवर्तन हुए जिसके कारण ये क्या हो गई, विलुप्त हो गई, गायब हो गई। वर्तमान में अस्तित्व में नहीं होने के कारण कतिपय विद्वान सरस्वती नदी को मात्र कल्पना मानते रहे हैं, लेकिन भू उपग्रह द्वारा खींची गई तस्वीरों से सरस्वती नदी के बहाव क्षेत्र का अब पता लग गया, यानी कि लुप्त मान ली गई थी परंतु भू उपग्रह द्वारा खींची गई तस्वीरों से सरस्वती नदी के बहाव क्षेत्र का अब क्या हुआ है, वर्तमान में पता लग गया। 1921 में हड़प्पा यानी कि रावी तट पर भारत की कांस्यकालीन नागरिक सभ्यता के अवशेष मिले। 1947 में आज़ादी के बाद से अब तक सिंधु और गंगानगर जिले में शुष्क घग्गर यानी कि प्राचीन सरस्वती नदी के तट पर मानव सभ्यता के अवशेष मिले, यानी कि इसके इर्द गिर्द जब इनको खोदा गया है अर्थात इनकी जांच की गई है तो इसके इर्द गिर्द मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं, यानी कि मानव पूर्व समय में प्राचीन समय में यहाँ क्या करता था, रहता था। यहाँ खुदाई के लिए दो टीले चुने गए। प्रारंभ में हड़प्पा से इस सभ्यता के अवशेष मिलने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया था और
बाद में सिंधु नदी के दोनों ओर इसके विस्तार को देखकर इसे सैंधव सभ्यता कहा जाने लगा। लेकिन अब भारत में सरस्वती नदी के तट पर सभ्यता के अधिकांश स्थल केंद्रित होने के कारण इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का नाम देने का आग्रह किया जाता है। पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर वी श्री वाकणकर, जिन्होंने उत्खनन कार्य किया है, उनकी मान्यता है कि दोनों सभ्यताएं एक आधारभूत संस्कृति के ही दो प्रतिरूप हैं, यानी कि दोनों सभ्यताएं लगभग एक जैसी हैं। सरस्वती का अन्वेषण जारी है, उसकी खोज जारी है, जो बाद में हमें किसी निश्चित मत की ओर ले जाएगा, उससे संबंधित हम खोजबीन कर रहे हैं और उसकी खोज के बाद ही हम किसी निश्चित मत की ओर जा पाएंगे, पहुँचेंगे यानी कि। अतः अधिकांश पुरातत्ववेत्ता अभी इसका उल्लेख सिंधु सभ्यता के रूप में ही किया जाना उचित मानते हैं, क्योंकि जब तक पुरातत्ववेत्ताओं का कहना है कि जब तक हम किसी निर्णय पे पहुंच नहीं पाते तब तक इसको सिंधु सभ्यता के रूप में ही जानना उचित रहेगा। अब है सिंधु सभ्यता कला। सुनियोजित नगर नियोजन, यानी कि जो नगरों का नियोजन था, जो नगर वगैरह, इस सभ्यता की खोजबीन करने से पता लगा है कि बड़े ही व्यवस्थित तरीके से बनाए जाते थे, यहाँ की प्रमुख विशेषता थी। सुनियोजित नगर नियोजन सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। प्रत्येक नगर में ऊंचे चबूतरे पर गढ़ी और नीचे समतल पर नगर भाग, गढ़ में राजा, पुरोहित व अन्य प्रमुख व्यक्तियों का निवास था, मोटी दीवार का परकोटा था। तो गढ़ के क्षेत्र में कौन रहते थे? भी राजा लोग रहते थे और अन्य जो और मोटी दीवार का परकोटा था, यानी कि मोटी दीवार से चार दीवारी बनाया जाना थी। परकोटे की दीवार काफ़ी चौड़ी थी, नीचे समतल पर नगर बसा रहता था और नगर में एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई चौड़ी सड़कें होती थी, समकोण पे काटती थी भी, ठीक है, यानी कि हर एक चीज़ को व्यवस्थित तरीके से बनाया गया था। कौन सी सभ्यता में? सिंधु घाटी सभ्यता में। नगर में एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई चौड़ी सड़कें होती थी, जिनकी चौड़ाई 9 से 34 फीट थी, 9 फीट से लेके 34 फीट तक चौड़ाई वाली सड़कें थी। एक सड़क 34 फीट की मिली है जो संभवतः राजमार्ग रहा होगा, यानी कि एक खुदाई के दौरान तो एक सड़क तो 34 फीट चौड़ाई की मिली है और पुरातत्ववेत्ताओं का अनुमान है कि ये क्या रहा होगा? राजमार्ग रहा होगा। गलियां 1 से 2.2 मीटर तक होती थी। कालीबंगा की सड़कें 1:8, 3.6, 5.4 व 7.2 मीटर चौड़ी होती थी। बड़ी ईंटों की आकृति का अनुपात 4:2:1 था। सामान्यतः ईंटें 7 से 1/2, यानी कि 7.5 × 15 × 30 इंच की थी। परकोटे के लिए ईंटें, यानी कि जो चार दीवारी बनाई जाती थी, परकोटे बाहरी दीवार जो बनाई जाती थी, उसके लिए ईंटें तो 10×30×40 इंच की थी। नालियों से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था थी। पक्की ईंटों से मिस्रवासी भी परिचित नहीं थे, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ही ज़्यादा विकसित सभ्यता थी। मिस्रवासी भी इन चीज़ों से क्या थे? अपरिचित थे, यानी कि वो ईंटों वगैरह से घर वगैरह बनाने के लिए कला में महारत उनको हासिल नहीं थी। साधारणतः प्रत्येक घर में, यानी कि जितने भी घर थे वो भी बड़े व्यवस्थित तरीके से बने हुए थे। प्रत्येक घर में 3 से 4 कक्ष, 3 से 4 कमरे होते थे। स्नानागार होता था, शौचालय होता था,
पाठशाला और कुआं होता था, और मध्य में बीचों बीच क्या होता था, आंगन होता था। प्रत्येक घर में जल निकासी के लिए नालियों का प्रबंध था, जैसा कि चित्र में भी दिखाई दे रहा है। नगर नियोजन मोहनजोदड़ो, यानी कि बड़े ही व्यवस्थित तरीके से सभी मकान देखो एक जैसे बनाए गए हैं, है ना। तो यानी कि बढ़िया तरीके से हर एक चीज़, जिस प्रकार उसने कहा है कि सड़कें समकोण पर काटती थी, सड़कों की चौड़ाई कितनी सी 9 से 34 फीट तक थी, 34 फीट चौड़ाई की सड़क भी मिली है। जैसा कि पुरातत्ववेताओं ने अनुमान लगाया है कि वो क्या रहा होगा, राजमार्ग रहा होगा। तो ये था नगर नियोजन, और जल निकास के लिए भी बड़ा अच्छा सिस्टम था। कुआं नाली और स्नानाघाट भी हड़प्पा में बहुत ही व्यवस्थित तरीके से बनाए गए थे। प्राचीन सभ्यताओं में जल निकास की जितनी सुंदर व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता में थी, यानी कि जल निकास के लिए, यानी कि कोई बारिश का जल या कोई अन्य नदियों वगैरह का जल अगर ज़्यादा आ भी जाता था, तो उसकी निकासी के लिए, उसको वहाँ से निकालने के लिए जितनी सुंदर व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता में थी, उतनी अच्छी सभ्यता शायद ही किसी सभ्यता में हमें प्राप्त हुई है। उतनी विश्व में कहीं नहीं मिलती, उतनी पूरे विश्व में, पूरे संसार में कहीं भी नहीं मिलती जल निकासी की व्यवस्था, यानी कि सबसे अच्छी जल निकासी की व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता की थी भी। घरों के पानी के निकास नालियों से होता था। घरों में जो पानी होता था उसके निकास के लिए, यानी कि उसको बाहर निकालने के लिए नालियाँ बनी हुई थी। नालियाँ गंदे पानी को नगर के बाहर पहुँचाती थी, जो नालियाँ थी वो गंदे पानी को क्या करती थी, नगर के बाहर पहुँचाती थी। बड़ी नालियाँ ढकी हुई थी, नालियों को जोड़ने व प्लास्टर में मिट्टी, जिप्सम व चूने का प्रयोग करते थे। नालियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर में मिट्टी, जिप्सम और चूने का प्रयोग भी करते थे, यानी कि इन चीज़ों से भी लोग परिचित थे भी। सड़कों की नालियों में मेन होल, मुख्य जो सुराख होते थे, यानी कि तरमोखे कहा जाता था उनको, तरमोखे भी मिले हैं। नालियों के बीच बीच में चैम्बर सोस गर्त, यानी कि नालियां बनी है उसके बीच में थोड़ा सा खड्डा बना के, जिस प्रकार वाटरवर्क्स वगैरह में आज भी देखते हो, थोड़ा सा खड्डा बना के उसमें टंकी से एक डिगी नुमा सा बना देते थे, ताकि उसमें जो सोस गर्त, यानी कि जो पानी को सोसने के लिए गर्त, गर्त का मतलब गड्ढा होता है, सोस मतलब सोसना, अवशोषित करना, पानी को सोसने के लिए क्या करते, गड्ढे से भी बनाए जाते थे नालियों के बीच बीच में, यानी कि चैम्बर वगैरह बना दिए जाते थे, जिनकी सफाई करके कूड़ा करकट निकाल दिया जाता था। आगे है विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार में मोहनजोदड़ो का यह महत्वपूर्ण भवन है। विशाल स्नानागार, स्नान करने का जो आगार था, स्थान था, ये मोहनजोदड़ो का यह सबसे महत्वपूर्ण भवन है, जिसका आकार 39x23x8 फीट है। इसमें ईंटों की सीढ़ियां है और तीन तरफ बरामदे हैं, जैसा कि विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो ऊपर चित्र में दिखाई दे रहा है, ये वाला है, ये वाला, तो यह है विशाल स्नानागार जो वहां प्राप्त हुआ। तीन तरफ बरामदे हैं, फर्श व दीवारों पर ईंटों का प्रयोग है, और फर्श जो बनाया गया है और जो दीवारें बनाई गई है वो ईंटों से निर्मित हैं, अर्थात ईंटों से बनाई गई है। पास में ही एक कुएं के भी अवशेष मिले हैं, पास में ही कुएं के अवशेष भी मिले हैं, जो जल का स्रोत थे, जो किसका, जल का स्रोत थे, अर्थात उनमें से जल निकाला जाता था। कुएं वगैरह भी बनवाए हुए मिले हैं। उत्तर की ओर छोटे छोटे 8 स्नानागार भी बने हुए हैं, उत्तर की ओर 8 छोटे छोटे स्नानागार भी बने हुए हैं भी। आगे है विशाल अन्नागार। अन्नागार का मतलब होता है अन्न का संग्रहण करने के लिए एक बड़ा सा हॉल वगैरह निर्मित करना, यानी कि बहुत सारे
अन्न का जहाँ क्या किया जा सके, भंडारण किया जा सके, स्टॉक किया जा सके, तो विशाल अन्नागार। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो से विशाल अन्नागार के अवशेष मिले हैं। अन्नागार यानी कि अनाज रखने का बहुत बड़ा स्थान। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से विशाल अन्नागार के अवशेष मिले हैं। मोहनजोदड़ो का अन्नागार 45.71 × 15.23 मीटर का है, यानी कि बहुत लंबा चौड़ा है। दो खंडों में विभाजित हड़प्पा के अन्नागार का क्षेत्रफल 55 × 43 मीटर। दो खंडों में विभाजित हड़प्पा के अन्नागार का क्षेत्रफल कितना बताया उसने, 55 × 43 मीटर, जो पानी से बचाव हेतु ऊंचे चबूतरे पर बने हुए हैं, जो पानी से बचाव हेतु ऊंचे चबूतरे पर बनाए जाए ताकि बारिश वगैरह का या बाढ़ वगैरह का पानी आए तो उसमें अनाज वगैरह भीगे नहीं, ख़राब नहीं हो, इसलिए उनको थोड़े थोड़े ऊंचे चबूतरे पर बनाए गए हैं। प्रत्येक खंड में 6-6 की 2 पंक्तियों में भंडारण कक्ष है, यानी कि भंडारण किया जाता है, और दोनों के मध्य 23 फुट की दूरी है। इसका प्रवेश द्वार रावी की ओर से था, इसका प्रवेश द्वार रावी की ओर से था। ऐसे अन्नागार मेसोपोटामिया के नगरों में भी थे। ऐसे अन्नागार मेसोपोटामिया की नगरों में भी मिले हैं। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। तो कल हम पढ़ेंगे इसके पश्चात विशाल जलाशय और स्टेडियम। तो आज के लिए कुछ क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में मिलने वाले नगर नियोजन का वर्णन करना है, नगर नियोजन का वर्णन करना है, और सिंधु नदी के बारे में विस्तृत रूप से लिखो। ये जो दो प्रश्न हैं आपको करने हैं। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।